सुप्रभात हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आप सुन रहे हैं चैनल को, आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। रोहतांग दर्रा में बर्फ के बीच 13,050 फीट की ऊंचाई पर होगा योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा में योग करवाया जाएगा। इसके माध्यम से लोगों को योग से निरोग रहने का संदेश दिया जाएगा, जिसे कुल्लू में आयुष विभाग 21 जून को 11 जगहों पर योगाभ्यास करवाएगा। इनमें पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा और अटल टनल रोहतांग भी शामिल है। बता दें कि आयुष विभाग योग दिवस के दिन हर घर आंगन योग कार्यक्रम के तहत लोगों को योग क्रियाएँ सिखाएगा तथा योग के लाभों से भी अवगत करवाएगा। जम्मू के डोडा में आरोपियों की रिश्तेदारी पुलिस करेगी पूछताछ। मनोहर हत्याकांड में पकड़े गए मुख्य आरोपियों की रिश्तेदारी जम्मू के डोडा जिले में है। आरोपियों का डोडा आना जाना लगा रहता है, वहीं इनके रिश्तेदार भी चंबा आते जाते रहते हैं। पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है। भाजपा नेता आरोपियों के तार आतंकी संगठन से जुड़े होने का आरोप लगा रहे हैं। इसी की जाँच को लेकर भी हिमाचल पुलिस जम्मू पुलिस के साथ पत्राचार करेगी। वहीं प्रदेश सरकार का मानना है कि भाजपा नेता लेकर दें तो मामला NIA को सौंपा जा सकता है। अब हिमाचल पुलिस डोडा जिले में आरोपियों के रिश्तेदारों से भी पूछताछ करेगी। सिर पर डंडे से वार कर की गई थी मनोहर की हत्या, घर के आंगन में किए गए लाश के साथ टुकड़े। चंबा जिले के सलूणी उपमंडल की भांदल पंचायत के संगणी में युवक मनोहर की हत्या डंडे मारने से हुई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मनोहर के सिर पर डंडे से प्रहार किया गया है। इसके बाद मनोहर के शव को आरोपी घसीटते हुए घर के आंगन तक ले गए, जहां पर उसके शरीर के साथ टुकड़े किए गए। वहीं पुलिस को अंदेशा है कि यह टुकड़े कुल्हाड़ी या फिर द्राट से किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक मनोहर का शरीर भारी था, इसलिए शव को ठिकाने लगाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में शरीर के टुकड़े कर नाले में फेंकने के लिए ले जाया गया। नाले की कुछ दूरी पर मनोहर का जूता मिला। किलो के हिसाब से सेब कारोबार से नुकसान का अंदेशा, आढ़तियों ने किया पलायन। किलो के हिसाब से सेब कारोबार के सरकार के फैसले से आढ़तियों को नुकसान का अंदेशा है, जिसके चलते कुछ बड़े आढ़तियों ने राज्य से बाहर पलायन करना शुरू कर दिया है। शिमला की भट्टा कुफर और पराला मंडी के चार बड़े आढ़तियों ने हरियाणा की नवनिर्मित पिंजौर मंडी में प्लाट ले लिए हैं। APMC पंचकूला के पास 7 अन्य आढ़तियों ने भी प्लाट के लिए आवेदन कर दिया है। जो आढ़ती पलायन कर रहे हैं वो सीजन के दौरान भारी मात्रा में सेब खरीद करते हैं। जिला ऊना को मिलेंगी 30 इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग स्टेशन का निर्माण शुरू, कम होगी डीजल पेट्रोल की खपत। हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए कदम धरातल पर दिखना शुरू हो गए हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। इसी तर्ज पर प्रदेश के जिला ऊना को भी करीब 30 इलेक्ट्रिक बसें मिलने की संभावना है। वर्तमान में प्रदेश के दो जिलों शिमला व धर्मशाला को 31 बसें मिली हैं, जिसमें शिमला को 20 और धर्मशाला को 11 बसें हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की कार्यप्रणाली को 31 मार्च 2024 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल में बनेगी इसरो की पहली स्पेस लैब, छात्रों को मिलेगी राहत, यूपी मॉडल को प्रशासन ने किया स्टडी। प्रदेश के गांव देहात के विद्यार्थी भी अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के प्रोजेक्ट्स का ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। यूपी मॉडल को स्टडी कर जिला प्रशासन ने यह नया इनिशिएटिव ग्रामीण विद्यार्थियों को साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करने के मकसद से लिया है। इसके तहत जिला में सीनियर सेकेंडरी बॉय स्कूल घुमारवी का चयन किया गया है, जहाँ स्पेस लैब अंतरिक्षशाला विकसित की जाएगी। वहीं प्रदेश की पहली स्पेस लैब विकसित करने को लेकर प्रशासन ने ओपन टेंडर कॉल किया है। बिलासपुर की अतिरिक्त उपायुक्त ADC डॉक्टर निधि पटेल ने बताया कि ग्रामीण बच्चों में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़ाने के मकसद से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए खाका तैयार किया गया है। अब JBT की भर्ती में गड़बड़ जाला, कई जिलों में लगा दी अपात्र BEd 1 को 2 जगह नियुक्ति। जूनियर बेसिक टीचर के पद पर BEd धारक अभ्यर्थी लगाने की प्रक्रिया में गड़बड़ ज्यादा हो गया है। JBT अभ्यर्थियों की ओर से मामला शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के ध्यान में लाने के बाद उन्होंने विभाग को जांच के आदेश दिए।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से जांच के लिए 4 लोगों की कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को शनिवार को ही रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन अब यह रिपोर्ट सोमवार को आएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अगला फैसला लेगा। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मामला बाहर आने के बाद कई जिलों के डिप्टी डायरेक्टर सिलेक्ट किए गए बीएड अभ्यर्थियों को फोन कर नियुक्ति आदेश वापस लेने की बात कह रहे हैं। दरअसल यह मामला मंडी के एक बीएड अभ्यर्थी को शिमला और कुल्लू दोनों जिलों में जेपीटी के पद पर नियुक्ति देने से बाहर आया। इस अभ्यर्थी की ग्रेजुएशन में प्रतिशतता 40.5% थी और काउंसलिंग में इसे नॉट एलिजिबल बताया गया था। बीओडी के लिए 150 पन्नों का एजेंडा तैयार, मीटिंग आज इन मुद्दों, नई बस खरीद पर भी होगी चर्चा। एचआरटीसी की निदेशक मंडल यानी बीओडी की बैठक सोमवार को शिमला में होनी है। नई सरकार बनने के बाद एचआरटीसी की यह पहली बीओडी है। इससे पहले एचआरटीसी में निदेशक मंडल का गठन नहीं हो पाया था। एक सप्ताह पहले ही एचआरटीसी की बीओडी का गठन किया गया है। ऐसे में अब एचआरटीसी की बीओडी की बैठक होगी। बैठक डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होगी। इसमें सरकारी व गैर सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य शामिल रहेंगे। एचआरटीसी की पहली बैठक में एचआरटीसी से जुड़े सभी मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं बैठक के लिए एजेंडा तैयार है। डिपो में मूंग दाल पर महंगाई की मार, चुकाने होंगे 10 रुपये ज्यादा। दाल चना उड़द तेल के दाम घटे। प्रदेश भर के सस्ते राशन के डिपो में मिलने वाली मूंग दाल महंगी हो गई है। राशन कार्ड धारकों को इस बार मूंग दाल के 10 रुपये अधिक चुकाने पड़ेंगे। इसका सीधा असर प्रदेश के 19.5 लाख राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा। इसके अलावा दाल चना उड़द व सरसों तेल के दाम कम होने से राशन कार्ड धारक जरूर राहत की सांस लेंगे। सिविल सप्लाई के गोदामों में दालों व तेल की सप्लाई पहुंचना शुरू हो गई है, जिससे डिपुओं को भेजने का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि सस्ते राशन के डिपो में मूंग दाल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। डिपुओं में NFSA राशन कार्ड धारकों को मूंग दाल का एक पैकेट 64 रुपये के बजाय 72 रुपये, APR राशन कार्ड धारकों को 74 के बजाय 82 रुपये और आयकरदाता राशन कार्ड धारकों को 98 के बजाय 108 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। हालांकि डिपो में मिलने वाली दो अन्य दालों के रेट 3 से 5 रुपये तक जरूर कम हुए हैं। NTT जल शक्ति भर्ती पर कैबिनेट लेगी फैसला, वाटर सेस कमिश्नर भर्ती नियमों में बदलाव संभव। राज्य में होने वाली प्री नर्सरी टीचर और पैरा वर्करों की भर्ती को लेकर अब कैबिनेट फैसला लेगी। सोमवार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर बाद 12 बजे राज्य सचिवालय में यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से प्री नर्सरी टीचर या NTT भर्ती को लेकर एक ड्राफ्ट रखा जाएगा। सभी विकल्पों के साथ प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने यह ड्राफ्ट शिक्षा सचिव को सौंप दिया है। हालांकि पिछले कल वित्त विभाग में इस तरह की कोई फाइल राय के लिए नहीं आई थी। हो सकता है कि पहले कैबिनेट ने ही इस पर चर्चा करनी हो और फिर कंडीशनल मंजूरी देनी हो। वहीं NTT भर्तियों का मामला पूर्व जयराम सरकार के समय से ही लंबित है। इस भर्ती के लिए केंद्र सरकार से ग्रांट मिल रही है, लेकिन पॉलिसी फाइनल नहीं हो पा रही है। बता दें कि हिमाचल में NCTE के नियमों के मुताबिक मान्यता प्राप्त NTT संस्थानों की जानकारी भी दिल्ली से आ गई है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।